हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो के अंदर अपन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड व्यू में आपका कैंसर डिजीज जो है कार्सिनोमा ऑफ डिजीज, आपके कैंसर डिजीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके चार नंबर की एग्जाम में जो डिजीज आती है उसमें कैंसर सबसे रेयरली आपके यहाँ पर आती है। तो कैंसर की अगर बात करते हैं बेटा, तो कैंसर इसकी डिफाइन जो डेफिनेशन है वो है एबनॉर्मल सेल डिवीजन और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन ह्यूमन बॉडी रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। यहाँ पर नॉर्मल सेल की ग्रोथ नहीं होकर के एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है ह्यूमन बॉडी के किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, उसको अपन बोलते हैं ट्यूमर बन जाना, गांठ बन जाना, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड कैंसर। यहाँ अगर ट्यूमर की बात करें, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है उस ट्यूमर के भी यहाँ दो टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है बिनाइन ट्यूमर, फर्स्ट टाइप इज बिनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड टाइप इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर ज़्यादा खतरनाक नहीं है, यहाँ क्यूरेबल है, आसानी से ये सर्जरी से ऑपरेट की जाती है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में होती है, ये स्पेशल कैंसर ट्यूमर है और बहुत ही हार्मफुल होती है। जब व्यक्ति की डेथ होती है वो इस टाइप की मैलिग्नेंट ट्यूमर के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ डिस्कस करते हैं अपन बिनाइन ट्यूमर के बारे में। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है? इट डज नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। अगर वो अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं फैलती है, सपोज करो यहाँ पर जैसे सिर के ऊपर है, तो यहाँ अगर बिनाइन ट्यूमर है तो वहाँ लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर बॉडी के रीजन में वहीं फिक्स रहती है, वो किसी भी अदर बॉडी के पार्ट्स में फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती है, एक लोकलाइज एरिया में फिक्स होती है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी, तो आसानी से उसको सर्जरी से यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर जो है इट इज ऑल्सो क्यूरेबल ट्यूमर, इट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर। अगर ब्रेन के अंदर अगर ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन का अंदर का ट्यूमर है, तो वो बिनाइन ट्यूमर में उस ट्यूमर को छोड़ करके जितने भी ट्यूमर है रिकॉग्नाइज आपके स्पेशलाइज रीजन के अंदर, बॉडी के स्पेशल रीजन के अंदर वो आसानी से क्यूरेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेटास्टेसिस इसमें एबसेंट होती है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है जहां पर न्यू ट्यूमर स्टार्ट हो जाता है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में, तो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। अगर हिंदी में इसको नॉर्मल डॉक्टरी लैंग्वेज में बोलें तो इसको बोलते हैं बेटा जड़ चल जाना, कैंसर की जड़ चल जाए, तो इसको मेटास्टेसिस ग्रोथ बोलते हैं। तो यहाँ जो मेटास्टेसिस जो ग्रोथ होती है वो इस एरिया में एब्सेंट होती है, ये अदर बॉडी के पार्ट्स में नहीं फैलता, लोकलाइज्ड एक ही एरिया में फिक्स रहता है। तो यहाँ मेटास्टेसिस ग्रोथ इसकी एब्सेंट होती है। इट इज नॉन कैंसरस ट्यूमर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कैंसरस ट्यूमर। यहाँ ये कैंसर की गांठ नहीं है और ये आसानी से क्यूरेबल है, सर्जरी के द्वारा यहाँ पर आसानी से इसका इलाज हो जाता है। अब अपन दूसरे टाइप की ट्यूमर की बात करते हैं, गांठ की टाइप की बात करते हैं, जो एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स की जो ट्यूमर बन रही है वो होती है अपनी मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ये बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही आपके लिए लेथल है, आपके लिए यहाँ प्राण घातक है, इसके कारण ही ह्यूमन डिजीज जो है यहाँ पर डेथ का कारण बन जाती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैंसर ट्यूमर, वास्तव में ये रियल कैंसर ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्यों? बिकॉज इट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में ये आसानी से फैल जाता है, यहाँ बाई पाथवे, बाई ब्लड, बाई सेल, बाई मसल्स, बाई बोन, यहाँ पर या बाई लिम्फ, इसके जरिए ये बॉडी के अदर पार्ट्स में वहाँ पर स्प्रेड आउट हो जाती है। तो न्यू ट्यूमर स्टार्ट हो जाती है टू अपीयर एट डिफरेंट ऑर्गन, दिस फीचर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस ग्रोथ। इट इज डेंजरस एंड कैंसरस ट्यूमर, ये बहुत ही खतरनाक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ मैलिग्नेंट ट्यूमर आसानी से क्यूरेबल नहीं होता है और इसमें कैंसरस ट्यूमर भी इसको बोला गया है, इसी के कारण ज्यादातर जो है डेथ रेट बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, यहाँ पर डेथ के चांस ज्यादा यहाँ बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर। यहाँ अगर बॉडी के अंदर कैंसर के अगर टाइप पढ़ते हैं तो यहाँ फर्स्ट टाइप आता है आपका कार्सिनोमा।
जहां ओमा लगता है शब्द के पीछे ओस्टियोमा, सार्कोमा, पेपिलोमा या ओमा का मतलब होता है बेटा कैंसर की ट्यूमर बनना, कैंसर की गांठ बनना या बिनाइन मैलिग्नेंट की या कैंसर की ट्यूमर या बॉडी के अंदर फाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इपिथिलियल सेल्स, कार्सिनोमा जो है वो इपिथिलियम जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उनसे यहाँ पर डिराइव्ड होता है, वहां उसकी फॉर्मेशन होती है इपिथिलियम टिश्यू से, ये यहाँ पर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल अगर बात कर रहे हैं कार्सिनोमा फर्स्ट टाइप की, तो यहाँ ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो यहाँ मेमोरी ग्लैंड के अंदर या आपकी लिम्फोसाइट्स जो लिम्फोमा होता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर या स्किन कैंसर जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है कार्सिनोमा में, फर्स्ट कैटेगरी में। तो यहाँ इपिथिलियल जो टिश्यूज होती है, सेल होती है, उसके अंदर ये ट्यूमर ग्रोथ कर जाता है। सेकेंड टाइप है आपका सार्कोमा, सार्कोमा इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ब्लड के अंदर है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड के अंदर अगर ये गांठ बनती है सार्कोमा ट्यूमर अगर वहां अपियर होता है तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया। और अगर बोन की बात करें कनेक्टिव टिश्यू में, तो यहाँ अगर बोन के अंदर ये ट्यूमर की अगर यहाँ ग्रोथ हो जाती है तो उसको ओस्टियोमा बोलते हैं, ओस्टियोमा मतलब कैंसर किसका है बोन का, और ल्यूकेमिया किसका है आपका ब्लड कैंसर। मस्कुलर की बात करें तो मायोमा, मायोमा मीन्स मसल्स के अंदर वहां पर कैंसर की ग्रोथ हो गई है, तो ये कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है सार्कोमा टाइप का कैंसर, और डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म, ये मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है। अपनी बॉडी की जर्मिनल तीन टाइप की सेल्स की लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से बॉडी के बाहर के अपेंडेजेस जो बॉडी के हैं, जैसे आपके एक्सटर्नल ईयर हैं, आपके ऑर्बिट्स हैं, नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं, ये सब कहां से आते हैं, एक्टोडर्म से यहाँ जनरेट होते हैं। सेकेंड मीजोडर्म से, तो मीजोडर्म से आपके ये बॉडी के मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ये यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, और एंडोडर्म से एक्सटर्नल बॉडी के पार्ट अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर मीजोडर्म से ये डिराइव होता है और प्रेजेंट होता है कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू में, सार्कोमा जो कैंसर है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात आती है इसकी कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या कारण है, तो कैंसर का मेन कारण है जो जीन होता है वो होता है ओन्कोजीन, और कैंसर की जो स्टडी करते हैं उस साइंस को बोलते हैं ओन्कोलॉजी, और जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं जो कैंसर के स्पेशलिस्ट, उनको बोलते हैं अपन ओन्कोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर ओन्कोजीन यहाँ जिम्मेदार है, और ओन्कोजीन को यहाँ अफेक्टेड जो फैक्टर है वो है कार्सिनोजन जीन्स, कार्सिनोजन जो फैक्टर होते हैं वो कैंसर को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्सिनोजन्स ये किसके कारण हो सकता है, ये रेज के कारण, विकिरण जो है आपकी जो रेज है उसके कारण कार्सिनोजन पैदा हो सकते हैं, जैसे सच एज एक्सरेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, या आपके टोबैको है जो तंबाकू होता है, बीड़ी गुटखा तंबाकू खाने से भी यहाँ पर क्या होता है कैंसर के कार्सिनोजन फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, वो ओन्कोजीन को अफेक्टेड करके या मैलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ वहां पर पैदा कर देते हैं, या एल्कोहल भी यहाँ पर कार्सिनोजन जीन को अफेक्टेड कर देता है, यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ कॉजेज ऑफ कैंसर आए अपने कार्सिनोजन, तो इन चीजों का अपन अवॉइड करेंगे तो यहाँ कैंसर से अपन बच सकते हैं, प्रिवेंटिव यहाँ पर अपने ये कॉज हो गए हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी डिजीज को किसी भी एग्जामाइन कोई टेस्टिंग के तरीके से उसमें पैथोजेंस या उस बीमारी का मेन कोज का पता लगाते हैं, तो यहाँ डायग्नोस करते हैं कैंसर को, तो यहाँ डायग्नोसिस के इसको रोग का निदान बोलते हैं, जैसे ब्लड के अंदर अगर अपन विडाल टेस्ट करवाते हैं तो वहां मलेरिया का जो टेस्टिंग आती है तो प्लाज्मोडियम की अगर प्रेजेंट होती है तो वहां पॉजिटिव डिजीज का वो वहां पर सिंबल आ जाता है, डायग्नोसिस टेस्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है। अगर टीबी है तो उसमें खखार बलगम जिसको स्पूटम बोलते हैं, या चेस्ट एक्सरे है वहां पर अगर ट्यूबरकुलस बेसिलस की अगर प्रेजेंस होती है तो वो टीबी का पॉजिटिव टेस्ट होता है, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, रोग का पता लगाने के लिए अपन टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ कैंसर की जो ट्यूमर है उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको पता करने के लिए यहाँ तीन वेज होते हैं। फर्स्ट है बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करते हैं, इसमें अफेक्टेड जो भी कार्सिनोजेंस के जो अफेक्टेड एरिया हैं
जो ट्यूमर के कैंसर के जो अफेक्टेड जहाँ टिश्यू हैं उसको यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए उस सेक्शन को कट कर लिया जाता है और उसको स्टेनिंग करके फिर उसकी स्टडी की जाती है और उसको देखा जाता है कि वो बिनाइन टाइप का ट्यूमर है या मैलिग्नेंट टाइप का कैंसर की ग्रोथ है। सेकेंड जो डायग्नोज करते हैं वो है आपका सीटी स्कैन। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, उसमें या एक्सरेज वगैरह यहाँ पर यूज़ की जाती है कि कौन से इंटरनल ऑर्गन के किस पार्ट के अंदर कैंसर है, तो उसकी पहचान करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए अपन पूरा सीटी स्कैन करते हैं। और ये इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या इमेज ऑफ ट्यूमर एंड देयर स्प्रेड, ये वहाँ पर इमेज बताता है कि आपके किस बॉडी के ऑर्गन में कैंसर की ट्यूमर गांठ वहाँ पर डेवलप हो रही है और कितनी फैली हुई है, या सीटी स्कैन से उसका पता लगा देते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो वेज है डायग्नोस का वो है एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर एमआरआई में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और लो मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ जनरेट किया जाता है, साउंड वेव्स को तैयार किया जाता है, यहाँ अप्लाइड करते हैं किसी भी ऑर्गन पर। तो जो अफेक्टेड ऑर्गन है जहाँ पर कैंसर की ग्रोथ हो रही है वहाँ हाई कॉन्ट्रास्ट की इमेज यहाँ पर ऑब्टेन होती है अबाउट द ट्यूमर रीजन। तो वहाँ जिस बॉडी के ऑर्गन में वहाँ कैंसर है उस बॉडी से यहाँ हाई कॉन्ट्रास्ट जो इमेज है वहाँ पर अपन को एमआरआई से यहाँ पर गेन कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ ये तीनों वेज होते हैं किसी भी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट। तो यहाँ ट्रीटमेंट जो है कैंसर के वो यहाँ तीन तरीके जो हैं डॉक्टर लोग यूज करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी स्पेशलिस्ट ऑफ कैंसर डिजीज जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। और स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ जो ट्रीटमेंट है उसका तरीका है बाई सर्जरी, या तो वहाँ क्यूरेबल है, अगर सपोज करो बिनाइन ट्यूमर है लोकलाइज एरिया पर है तो उसको क्या करते हैं बाई सर्जरी से, बाई सेक्शन से उसको कट करके उस एरिया को अपन रिमूव कर देते हैं। तो ऑपरेशन या सर्जरी मेथड से सर्जन इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सेकंड है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ स्पेशल मेडिसिन को यूज किया जाता है, जैसे पेनिसिलिन हुआ, टेट्रासाइक्लिन ड्रग हुआ, तो उस लोकलाइज्ड जो ट्यूमर है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। यहाँ पर ड्रग्स आदि दवाइयाँ वगैरह केमिकल्स वगैरह यहाँ यूज करते हैं। थर्ड है इसका रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में यहाँ रेडिएशन यूज करते हैं, यहाँ पर जैसे कोबाल्ट रेज है, एक्स किरण है, तो वो क्या करती है 800 जो कोबाल्ट की यूवी रेज वगैरह ये जो है वहां पर लोकलाइज एरिया में वहां उसके ऊपर क्या करते हैं वो रेडियोथेरेपी वहां यूज करते हैं। तो इसके थोड़े से साइड इफेक्ट आते हैं रेडियोथेरेपी में कि उस ट्यूमर को तो वो डैमेज कर देते हैं, वहां बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आसपास की जो लोकलाइज सेल और टिश्यू होती है वो भी वहां डैमेज हो जाते हैं और उनको हीलिंग होने में, उनको घाव को भरने में काफी टाइम लगता है। तो ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है आपके, बाई सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। अब जो है अगर मान लो कैंसर की लास्ट स्टेज में है मेलिग्नेंट में, तो वहां आपके ऑन्कोलॉजिस्ट एक और अभी लेटेस्ट जो है ट्रीटमेंट वो है पैलेटिव ट्रीटमेंट थ्योरी। पैलेटिव में है कि वहाँ कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लास्ट स्टेज में है, तो उसमें क्या है डॉक्टर्स पहले कहते थे कि भैया ले जाओ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, अगर उसको फीवर है तो उसको वहाँ पर ड्रग्स देंगे अपन फीवर की, पायरेटिक एंटी पायरेटिक ड्रग देंगे बुखार उतारने के लिए, क्रोसिन देंगे। अगर उसको वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की अपन वहाँ ड्रग यूज करेंगे, यानी मरो तो हाय तोबा करके मत मरो, आराम से मरो। तो ये अभी एक नया फ्रांस की जो नई टेक्निक आई वो आपकी पैलेटिव ट्रीटमेंट थ्योरी कहलाती है। तो ये अपन आजकल लास्ट स्टेज में इसको यूज करते हैं। नाउ कैंसर टॉपिक आज फिनिश।